पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोल के बारे में स्टडी किया था। जो टॉपिक आज हमने स्टडी करना है वो इसी से रिलेटेड है, तो हम मोल को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि मोल क्या होता है। किसी भी केमिकल स्पीशी जो कि आपके अंडर स्टडी है, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, अगर उसके केमिकल मास को, इफ केमिकल मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर हम उसके केमिकल मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो उसका मोल बन जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर लेते हैं, H2O 18 ग्राम्स ले लें, दिस इज इक्वल टू 1 मोल। सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम के एटम्स की अगर हम 23 ग्राम्स ले लें तो वो उसका 1 मोल बन जाएगा। और इसी तरह हमने फर्दर एग्जांपल्स के साथ मोल की डिटेल स्टडी की थी कि वो आयंस हो सकते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड्स हो, कोवलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, वो सारी डिटेल। आज का जो टॉपिक है वो मोल ही से रिलेटेड है। उस टॉपिक का नाम है एवोगाड्रोस नंबर। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी लेकिन बहुत ही फंडामेंटल भी है। इसकी मदद से हमारी बहुत सारी एग्जाम्पल्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बड़ी आसानी के साथ सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस एक इटालियन केमिस्ट था, उसके नाम के ऊपर ये नंबर है। ये एक कांस्टेंट है, नंबर से पता लग रहा है कि ये एक फिक्स वैल्यू है, ये कोई नंबर होगा। नंबर की वैल्यू अभी हम देख लेते हैं कितनी होती है। इसका कॉन्सेप्ट देख लें, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी चीज के एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट आर कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होते हैं, वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। अब ये थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम है, लेकिन एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट यही है कि एक मोल किसी भी चीज का एक मोल उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एटम्स की, अगर मेरे पास 23 ग्राम्स हैं सोडियम के तो वो 1 मोल है, किसका, सोडियम का। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, नंबर ऑफ सोडियम के एटम्स, सोडियम एटम्स वो कितने हैं, वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर है। अब एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू जो होती है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 × 10⁻³। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, 6.02 × 10⁻³। ये ही एवोगाड्रोस नंबर है, ये नंबर कांस्टेंट है। अब वो कह रहा जी कि एक मोल ले लें आप, 23 ग्राम ऑफ सोडियम है मेरे पास, सोडियम का एक मोल है, और इस एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, सोडियम के एटम्स कितने हैं एक मोल के अंदर, वो 6.02 × 10⁻³ है। मैं अगर हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ तो हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम अगर मैंने लिया है तो वो हाइड्रोजन का एक मोल है। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, दे विल बी एवोगाड्रोस नंबर × 10⁻³। अब ये चीज थोड़ी सी आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजिंग लग सकती है कि एक तरफ आप 23 ग्राम ले रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी इतने ही हैं, दूसरी तरफ आपके पास 1 ग्राम है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी इतने ही हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर 23 ग्राम सोडियम के एटम्स हैं, मोल्स हैं, और 1 ग्राम आपने हाइड्रोजन का लिया जो कि उसका एक मोल है, तो उसके अंदर ये दोनों पार्टिकल्स, दोनों एटम्स जो होते हैं ये सेम कैसे हैं, वो इस तरह से हैं कि सोडियम का जो एटम है वो हाइड्रोजन से 23 गुना बड़ा और भारी भी तो है, कि अगर उसका 1 ग्राम जो सा है एक मोल बना रहा है तो सोडियम के 23 ग्राम जो हैं वो उसके एक मोल बना रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास यूनिट है तो A1 AMU है और सोडियम का 23 AMU है, इससे क्या पता चल रहा है कि सोडियम इज 23 टाइम्स
हैवियर देन हाइड्रोजन। इसीलिए जब हम 23 ग्राम लेते हैं सोडियम का और 1 ग्राम लेते हैं हाइड्रोजन का, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सेम ही हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पार्टिकल है वो साइज में छोटा होगा, इसका पार्टिकल साइज में बड़ा होगा। इसी वजह से इसके 23 ग्राम में इतने पार्टिकल्स हैं और इसके 1 ग्राम में इतने पार्टिकल्स आ गए। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि 23 ग्राम में किस तरीके से एवोगैड्रो नंबर के पार्टिकल्स हैं और 1 ग्राम में। जब भी किसी भी चीज का आप 1 मोल लेंगे, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इतने ही होंगे। पार्टिकल्स में इस वजह से वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था कि 4 चीजें हो सकती हैं। वो एटम्स हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, या वो फिर फोर चीज थी, या वो आयंस हो सकते हैं। तो इन चारों में से अगर कोई भी चीज है तो हम जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात करेंगे तो फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स इतने। मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम जनरल बात कर रहे हैं तो किसी भी एक मोल की, वन मोल ऑफ एनी स्पीशी हैज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। 18 ग्राम्स अगर मैं ले लेता हूँ वाटर के, या 180 ग्राम्स मैं ले लेता हूँ ग्लूकोज के, तो ये दोनों इनके 1 मोल हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा, ये 1 मोल ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज का बन जाएगा। इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे Na, और ये भी Na के बराबर होंगे। एवोगैड्रो नंबर को जब हम डोनेट करते हैं, मतलब उसके साथ लिखते हैं उसके सिंबल के साथ, तो Na उसका सिंबल होता है, N कैपिटल, कैपिटल N, और उसके सबस्क्रिप्ट में इसकी बेस में स्मॉल कैपिटल A, ये उसका सिंबल होता है। तो किसी भी चीज का आप एक मोल ले लें, वो हमारे उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, ये हमें हेल्प आउट करेगा आगे चल के बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने में। अब फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन कैसे आता है कि हमें कोई चीज दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल हमें कहते हैं जी आपके पास 36 ग्राम जो होता है पानी है, वाटर आपके पास 36 ग्राम है, अब फाइंड करके बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें हमें यही वाला कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो आप उस तरीके से इसको निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है, एक मोल के अंदर 6.02×10^23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 2 मोल्स के अंदर कितने होंगे, तो इसको हम 6.02×10^23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस एग्जांपल को आप इस तरह समझें, आप छोटी क्लासेस में ये एग्जांपल्स आपने कई दफा पढ़ी होगी कि बताइए एक जो पेंसिल है उसकी प्राइस 5 रुपए है, तो आप बताएं 6 पेंसिल्स कितनी की होंगी, तो आप क्या करते थे, आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आप कहते थे जी 30 रुपीज की आपके पास 6 पेंसिल्स आएंगी अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है। सिंपल यहीं पे भी हम वही काम कर रहे हैं, एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, 2 मोल्स के अंदर कितने होंगे, 2 मोल्स के अंदर निकालने के लिए हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास तो मोल्स गिवन ही नहीं है इस एग्जांपल में, हमारे पास तो ग्राम्स गिवन, तो हम अपने पुराने फॉर्मूले से पहले हम मोल्स निकाल लेंगे और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वाटर है तो हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, मास इन ग्राम्स आपको गिवन है 36 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास वाटर का आपको पता है 18 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, ये इसका निकलेगा 18, ये कैंसल आउट होके
2 मोल्स निकलेगा। अब हम ये वाला काम करेंगे क्योंकि हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 2 मोल्स ऑफ H2O कितने होंगे, 2 × 10⁻²³। तो ये जो आंसर आएगा ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, 36 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो है एक बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन जो है हमें बहुत सारी हेल्प आउट करेगी हमारी कैलकुलेशन में। इसी को अगर मैं जनरलाइज एक फार्मूले की शक्ल में लिखूं तो एक हमारे पास नया फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। उसको अब मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये किसके बराबर होगा, ये होगा जी नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको अगर मैं एन ए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएंगे। पिछली एग्जांपल में भी हमने यही किया था, हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, उसको हमने देखा था 2 मोल्स निकले थे, हमने उसको मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकला। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, जो चीज आप स्टडी कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक या आयनिक जो चीज आप स्टडी कर रहे हैं उसका मास, यही फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाइड बाय एन ए। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपके पास एक नया जनरलाइज फॉर्मूला हमने निकाल लिया जो कि आपको हेल्प करेगा, या आपकी बुक में भी दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी चीज के निकालने के लिए। आप उसके पहले मोल्स निकाल लें, मोल ऐसे निकल आएंगे और फिर उसको एन ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएंगे। आपकी बुक में उसने सेपरेट करके लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स, उसमें क्या होगा मास ऑफ मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एन। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एन ए। सिमिलरली अगर आयंस हैं तो यहाँ पे आयनिक मास आ जाएगा। तो ये आपकी बुक में भी फॉर्मूले गिवन है, इन फॉर्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी चीज के अंदर मौजूद इजीली हम निकाल सकते हैं। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन मतलब किसी भी डिफरेंट तरीकों से हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमें पता लग गया है, हम इस पोजीशन में आगे हुए हैं कि अगर 180 ग्राम्स मेरे पास ग्लूकोज के हैं तो इसके अंदर मेरे पास ग्लूकोज का 1 मोल है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मेरे पास एन ए टाइम्स हैं, मतलब 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है। अब इसमें हमें कौन कौन सी मजीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब देखो आपसे ये पूछ सकता है जी कि 180 ग्राम के अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, वन मॉलिक्यूल हैज कार्बन एटम्स, कितने एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 है ना, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे 12 हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने, हमारे पास इतने 12 कैसे हुए हैं, ये 2 × 6 किया है तो 12 है ना। उसी तरीके से जो पेंसिल वाली मैंने आपको एग्जांपल दी उसी तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए 12, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, इतने 6.02
इंटू 10^23 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास ग्लूकोज के होंगे, जो कि मेरे पास हैं एक मोल के अंदर, उसके अंदर कार्बन के एटम्स कितने होंगे, तो मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा उस नंबर के साथ जितने मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो आंसर आएगा, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकल आएंगे 180 ग्राम के अंदर। इसी तरह अगर वो पूछ लेता है कि 180 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 180 ग्राम के अंदर, तो हम पहले एक मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 हैज हाइड्रोजन एटम्स, कितने एटम हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, दीज आर 12। अगर दो मॉलिक्यूल होगा तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि निकल आएगा 24। लेकिन मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने ज्यादा सारे, 6.02 इंटू 10^23। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर आंसर कितना निकलेगा, 12 एक के अंदर है तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर मेरे पास निकल आएगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं किसी भी चीज के अंदर मौजूद। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में भी दी हुई है, उससे फर्दर मोर सारी की सारी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपसे वो पूछ सकता है क्वेश्चन, और कौन कौन सी जगह पे हमें एवोगैड्रो नंबर हेल्प कर सकता है। ये है एग्जांपल, हम इसको इसका पहले डाटा देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। किसी भी एग्जाम्पल को सोल्व करने के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज आप सबसे पहले गिवन डाटा अपना उतार लें कि आपको दिया क्या हुआ, उसके बाद आप रिक्वायर्ड की तरफ जाएं कि आपसे उसने डिमांड क्या की हुई है, आपने निकालना क्या है, आपने मांगा क्या है। जब ये दोनों चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी, ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। जब ये क्लियर होंगी तो फिर आप अपने सॉल्यूशन की तरफ जा सकेंगे, फिर आप सोचेंगे कि आपने कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, और फिर आपने अपने गिवन डाटा को यूज करते हुए ये कौन सा फॉर्मूला हमें कैसे पता लगेगा कौन सा यूज करना है, वो हमें डाटा बताएगा कि ये चीज हमें दी हुई है, इससे मैंने ये चीज निकालनी है, तो इनका रिलेशन आपस में क्या है, किस तरीके से मैं सॉल्यूशन तक पहुंच सकता हूं। तो आपने सबसे पहले डाटा उतारना है, फिर रिक्वायर्ड अपने ब्रेन में लिख के भी आप मेंशन कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है, और फिर आपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो इस एग्जांपल के हम डाटा की तरफ बढ़ रहे हैं, गिवन डाटा क्या है, हमें दिया गया है कि मास ऑफ आइस इज इक्वल टू 10 ग्राम्स, ये हमारा डाटा है, और हमसे मांगा क्या हुआ, रिक्वायर्ड चीजें हम सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1 वो कह रहे जी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये नंबर चीज हमसे 1 मांगी गई है। नंबर 2 कह रहे आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। लास्ट में वो कह रहे जी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड द कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 3 पे हमसे जो चीज मांगी गई है टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, वो कितने होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ये 4 चीजें हमसे मांगी गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 1 भी हम पीछे फॉर्मूला बढ़ गए थे किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां पे वाटर है तो हम वाटर का लेंगे, आइस और वाटर मतलब फॉर्मूला तो उसका वाटर ही है।
मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसके अंदर हमारे पास सारी चीजें गिवन है, मास इन ग्राम्स हमारे पास 10 ग्राम्स गिवन है, मोलर मास आपको पता है वो होता है वाटर का 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻²³। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल आएंगे और वो कितने निकलते हैं 3.31 × 10⁻²³। ये आपके पास क्या निकल आया है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास निकल आए। पहला आंसर आपने जो है वो अपना निकाल लिया है, ये आपका आंसर है। यही वैल्यू आगे यूज होगी बाकी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। पहला सॉल्यूशन आपने सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में उसने कहा है हमसे कि आप क्या निकालें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स निकालें। सबसे पहले हम करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मानी कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल हो इसके अंदर हैज हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम है एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, ये H2O है तो हाइड्रोजन के मेरे पास दो जो हैं वो एटम्स मौजूद हैं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो भी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में निकाले हैं, 3.31 × 10⁻²³। अगर मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हों तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे वो से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.31 × 10⁻²³। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकल आएंगे जो कि क्या निकल रहे हैं 6.68 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके पास एक और आंसर भी आ गया, सिंपल थी लॉजिक वेबली यूज करते हुए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हैं तो इतने के अंदर कितने होंगे उसे टू से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड पार्ट है जी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज ऑक्सीजन एटम्स, कितने एटम है इसके अंदर ऑक्सीजन के एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, एक है तो 3.31 × 10⁻²³ के अंदर कितने हो जाएंगे, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर होगा कि इतने 3.31 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं वो भी इतने ही हैं एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपके पास एक तीसरा वाला आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 सॉल्यूशन की तरफ। नंबर फोर पे हमसे उसने मांगे थे कंबाइंड नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सही है, अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये जो हम करते आ रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज एटम्स, कितने एटम्स हैं, दे आर 3, तीन एटम ही हैं तो 3.31 के अंदर 10⁻²³ के अंदर कितने हो जाएंगे 3 × 3.31 × 10⁻²³। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो से हैं वो आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 9.99 × 10⁻²³। एक तो तरीका ये था, या फिर दूसरे तरीके आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपने ऊपर हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम्स निकाले हैं। तो अगर मैं एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को प्लस कर दूं
तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम निकल आएंगे, तो मैं इन दोनों को प्लस भी करके आंसर निकाल सकता हूँ। 6.68 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मेरे पास हाइड्रोजन के एटम्स है, और 3.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मेरे पास ऑक्सीजन के एटम्स है। तो जब इन दोनों को जमा करूंगा तो आंसर मेरे पास वही आ जाएगा, 9.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। अब यहाँ पे जनरल एटम्स की बात कर रहा है, स्पेसिफाई नहीं किया उसने, कहा था टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो वो इतने निकल सकते हैं। ये दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को आपने निकाला हुआ था सिंपली ऐड कर दें। आपके बुक में ये तरीका यूज हुआ है, आप ये वाला भी कर सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर तीन होते हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल्स में एटम्स उनसे हैं आपके, इस तरीके से निकल आएंगे। आखिरी पार्ट वो भी सिंपल सा है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ये आपको इतना पता होना चाहिए कि H2O का फॉर्मूला जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये ऑक्सीजन है, ये H और ये H, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, 1 एंड 2। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, 1H2O मॉलिक्यूल हैज कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3.31 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, उसको आप 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स निकल आएंगे। तो ये उसी तरह 6.68 इंटू 10 रेज टू पावर 23 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ये क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट था ये थोड़ा सा ट्रिकी था, कि अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो आप कहेंगे अब ये नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे निकालने। मुश्किल इसमें टेक्निक कोई नई नहीं है, वही चीज़ है जो आपने पढ़ी है, सिर्फ आपने उसको अंडरस्टैंडिंग है आपकी थोड़ी सी कि आपने उसको कैसे निकालना है। आपको उसका स्ट्रक्चर पता होगा, तो आप सिंपली बता देंगे कि भाई एक के अंदर दो कोवलेंट बॉन्ड है, तो इतने के अंदर कितने होंगे, उसी तरह निकल आएगा। चीज़ वही है, सिर्फ बताने का, उसके एग्जांपल में समझाने का मकसद ये है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन आपके रिक्वायर्ड फार्मूलाज से बाहर नहीं जाएगा, इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ पूछी जाएगी। अब इस एग्जांपल के बाद हमें आइडिया हो गया कि Na जो है, एवोगैड्रोस नंबर जो आज का हमारा टॉपिक था, ये किस कदर इम्पोर्टेंट है और ये कितनी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करता है। सिंपली एक फार्मूला, एक नंबर, एक एवोगैड्रोस नंबर, एक कॉन्स्टेंट नंबर, और किसी भी चीज़ का एक मोल अगर आप ले लेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उनसे हैं वो Na के बराबर ही होंगे, वो सेम होंगे। तो ये तो था एवोगैड्रोस नंबर।